फ्रेंड्स हम आए आज डंपिंग गार्डन कोपरखन्ना का, बहुत ही फेमस स्पॉट है टाइम स्पेंड करने के लिए। यूजुअली सैटरडे संडे को यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, तो आज हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये डंपिंग गार्डन पहले ऐसा दिखता था, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रिसाइकल होते थे, कोपरखन्ना का पूरा वेस्ट इधर ही आता था। इसके बाद इसे ट्रांसफॉर्म करके एक गार्डन की शक्ल दे दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स और मैकेनिज्म है यहाँ पे। ये शाम के वक्त टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, हर उम्र के लोग यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे भी, बूढ़ों के लिए भी अच्छी जगह है। तो कभी आइए यहाँ पे, जंपिंग गार्डन को एक्सप्लोर करिए, अच्छा लगेगा, वापस बार बार आओगे आप। बहुत सारे झाड़ लगा रहे हैं यहाँ पे, अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें। आप ये यहाँ पे देख सकते हो, साउंड सिस्टम भी लगाया गया है और बच्चे लोग के लिए खेलने की पूरा बनाया गया है। अच्छा मौसम भी है, उसका टाइमिंग है सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 8। और ये लोकेशन है कोपरखन्ना सेक्टर 19 का। बहुत बड़ा एरिया है, देख सकते हो आप, दूर दूर पब्लिक दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये सनसेट हो रहा है, सनसेट भी कमाल का दिख रहा है, बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। शीशा है, स्लाइड्स हैं यहाँ पे, और एक और बात, यहाँ पे आए तो गंदगी ना फैलाए। देख सकते हो बच्चे लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। घास पे बैठ के अच्छे से यहाँ पे आप पिकनिक भी बनाने आ सकते हो। देख सकते हो आप, व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का, साइड में बहुत सारे बिल्डिंग्स भी है। यहाँ पे पूरे कोपरखन्ना एरिया से बहुत सारे लोग शाम को टाइम स्पेंड करने आते हैं। यहाँ पे बाहर देखोगे तो पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी आपको, बहुत लंबा पार्किंग होता है, इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे। आप अपने डॉग को भी लेके आ सकते हो यहाँ पे, इसके लिए भी परमिशन है, डॉग को वॉक करा सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चे लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए भी अच्छा ग्राउंड बना है। अभी शाम का वक्त है, शाम के टाइम में अच्छा व्यू भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ग्रास पे वॉक करो, अच्छा है, रनिंग भी कर सकते हो। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड बना के कोपरखन्ना में इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत सारे फ्लैट्स भी अच्छे आजू बाजू के दिख रहे हैं,
वो भी हाई प्राइस पे। आप भी आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ में, कपल्स भी आ सकते हैं। अच्छा एरिया है, यहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, कबड्डी ये सब। और यहाँ पे दो बनाया गया है जिम के लिए, वो साइड भी है और ये साइड भी, तो बहुत सारे यहाँ पे लोग समझ लीजिए थोड़ा सा जिम भी हो जाता है और वॉकिंग भी हो सकता है और बैठ के आराम से पिकनिक के लिए भी अच्छी जगह है और फ्रेश एयर भी यहाँ पे है अच्छा। और यहाँ से आगे जाके आपको एग्जिट मिलेगा। और आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं कोपरचिना एरिया के, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। Yeah.